सीमा बैठ जाओ पीछे, उधर बैठ जाओ पीछे। आप मेरे से दूर खड़े हो, आपके शरीर में दर्द होता है, आप यहाँ आए, आपको निगेटिविटी बताई गई थी, हैं? ये कब से चल रहा है? मेरी शादी जब से हुई, जब से बीमार हो, 7 साल हो गए। शादी से पहले क्या कहीं दर्द रहता था, जैसे सर में? नहीं, कमर में, कभी पैरों में? ना, कमर में कभी कभी एक आधी बार हो जाता। कमर में कभी कभी एक आध बार हो जाता था, तब मैं मानता हूँ कि आप शादी से पहले नेगेटिविटी से फ्री थे और शादी के बाद आपको नेगेटिविटी ने पकड़ लिया। कितने बाद पकड़ा? पता भी नहीं है, 7 साल हो गए, मैं तो 7 साल से बीमारी हूँ, डॉक्टर कह जा रही हूँ। किस किस तरह की आपको बीमारियाँ हो रही हैं? कभी एलर्जी हो जाती है, ये पकड़े रखो, गोला पकड़े, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी पेट में दर्द, कभी छाती में दर्द, कभी सर में दर्द, ऐसे दर्द। अभी मानूँ तो अभी फिलहाल आपके शरीर में क्या है, क्या महसूस हो रहा है? बस एक कपन सी आ रही है, बस और कुछ नहीं। ये कंपन सी कब चालू हुई है, जब मैंने जब चालू किया है या उससे पहले? वो आपके पास खड़ी हुई थी, जब इसे हुई। चलिए आंखों में देखो आप मेरी, वहाँ चेक करो। आप इनको नाम से पुकारो जी, जोर से बोलना। सीमा, और जोर से सीमा। अब हाथ लगा, अब बोलो नाम से। सीमा, लगता है सुनती नहीं आपकी। सीमा, 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 अब सामने आके देखो क्या है। ये निगेटिविटी होती है, ये शरीर को ग्रहण कर लेती है, आंखों पे आ जाती है, यहाँ पे बैठती है, देखो मन को पकड़। अब बुलाओ सीमा, अब बुलाओ सीमा। क्या हुआ था इतनी देर के लिए? आवाज तो सुन रही थी, रिएक्शन नहीं दे पा रही थी, सुन हो गई थी। ये चीज साथ रहती है, इस चीज ने सारी बीमारी दी हुई है, डॉक्टर इसको कभी नहीं पकड़ पाएगा। आपके हाथ में गोला है, अब ये उसमें आने वाली है। ठीक है, बैठ जाओ ऐसे ही, बैठ जा परे नमू करके, बुलाया नहीं है मैंने तेरे को, बैठ भाई। भाई जी जगह तो हो जी, मेरे को धैर्य, इन किसी को नहीं होना, ये धैर्य इनता मुझे बहुत बुरी लगती है, और धैर्य इनता से कुछ होता भी नहीं है। कभी तुम ये सोचो, तुम अपनी जल्दी से ठीक नहीं होगे, कभी तुम ये सोच रहे हो, तुम्हें धैर्य धारण करना ही पड़ेगा, सबका समय लिखा हुआ है। चीजें देखो अपनी, कितने साल से बीमार हो, ठीक है, फिर जल्दी मत करो, बैठो आराम से, टिको, ठहरो, रुको, ऐसे जोर से पकड़ ले, आंखों में देख मेरी में, एक छोटी सी सूक्ष्म सी तरंग हाथों में से आएगी, आपके गोले में समा जाएगी, वो महसूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको ज्यादा ना हो, क्योंकि तत्व आपको कम रह रहा है, आपको आराम पड़े होंगे। कितने आराम पड़े हैं? आराम तो बहुत पड़े, पहले तो मैं हफ्ते में एक आधी बार ठीक रहा करती, महीने में 2 दिन 3 दिन ठीक रहा करती, बाकी ऐसे रहती थी, बस बेड पे पड़ी रहती थी, ऐसे होता था। हाँ। तब डॉक्टरों को दिखाते थे, डॉक्टर कौन कौन सी बीमारियां बताते थे, बताना जरा। जी मैं यहाँ पीजीआई में रोहतक जाती थी, वो तो चक्कर इतने कटवा हुए जी, एक बार में तो बतावे नहीं क्या क्या बीमारी है। अच्छा, एक बार जाओगे टेस्ट कराएंगे, फिर दूसरी बार जाओगे टेस्ट देखेंगे, तीसरी बार जाओगे दवाई देंगे, और बीमारी जब भी नहीं बताएंगे, बोले ये दवाई खा लो आराम लग जाएगा, बीमारी तब भी नहीं बताएंगे। सीमा की शिकायत है सरकार से, दूर की जाए। इस पंखे को ना उधर रख दो, वहां कोने पे, वहां से चल, अब नहीं चलेगा। हल्का, हाँ उंगली मार दो, घूम जाएगा, घूम जाएगा, उंगली मार, हल्का बंद कर दे उंगली मार। अरे अपनी उंगली कटवा लेगा ये, अरे नहीं गुरु जी हमें पता है तेरे को, पहले इसका पसीना पूछ, कभी पूछा इसका पसीना आगे? अरे माथे पे है पसीना तो सारा, नाक पे रह गया। सीमा शर्मा गई। कौन सी क्लास में है बेटा तेरा?
दूसरी तुझे पूछा नहीं तूने भैया आपको कैसे पता चला? पता नहीं। तू नहीं तो बताया था मेरे? नहीं मैंने तो नहीं बताया कि दो बेटे हैं। नहीं बताया, मेरे दो है ही नहीं, एक ही है। एक ही बच्चा है तेरे पास? मैंने आपको कभी बताया ही नहीं, आपसे पहली बार मुलाकात हुई मेरी। हाँ मिले थे दूसरी बार। अच्छा वहाँ रास्ते में मिल लिया था? हाँ एक बार बस, चरण छुए थे आपने बात वैसे। फिर अनूप ने कह दिया होगा चलो चलो चलो, ऐसे ही कहा होगा इसने? नहीं, अभी अभी आया तो वाले कर रहे थे लगा। कोई नहीं भाई, करते हैं पिंटू पाल जी, अभी सेटिंग करते हैं एक बार। क्यों जी बताओ भाई? मतलब तू क्या समझ, ये तो गोरी है, काली है? हाँ पक्का काली है, काली है तो शनिदेव तेरे रखवाली है ना? ना तू काली होती ना शनिदेव रखवाली होते। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ऐसे कैसे पता चलता है? अब देखो घबराहट है क्या जरा सी भी? बार खत्म, दर्द खत्म, मौज लो, आनंद करो, चलो जाओ अपने घर जाओ। पहले भी आप ऐसे सुन हो जाते थे जैसे आज हुए थे गुरुदेव की आंखों में देख के? और नाम नहीं बोल पा रहे थे? पहली बार वहाँ टेस्ट करवाया था जब ही हुई थी एक बार। अच्छा, उसके बाद मैं तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ये समझ गया था कि कहीं आप उनकी सुनते ही नहीं है जी, वो बेचारा बुलाता रहता आपको। हाँ कभी बेचारा वो पीटता रहता हो है कि नहीं, और तू आती ना हो, बात ही ना करती हो। चल ना शनिदेव महाराज लड़की तो देते हैं, वहाँ जाके मांग लो। ये कौन सा लड़के दे रहे हैं, तो लड़की तो देते हैं। कैसा है तो न्यू